एक्सपोजिंग ट्विटर इंडिया। बिल्कुल भी आपने जो थंबनेल में देखा वो सही है, जो मैंने अभी बोला वो भी सही है। आज सुबह के डेली न्यूज अपडेट में मैंने आपको बताया था कि आज एक वीडियो करेंगे जो कि ट्विटर इंडिया का एक्सपोज होगा। आपने ट्विटर के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन जो आज मैं ट्विटर इंडिया का सच आपके सामने रखने वाला हूं वो शायद हो सकता है आपको पता ना हो, अगर आप ट्विटर के अंदर बहुत ज्यादा घुसे हुए नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग, मान लीजिए 90% लोग ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ट्विटर बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं है। वहां पर लोग अपनी अच्छी अच्छी फोटोज, अपनी अच्छी लाइफ को अपडेट नहीं करते, वहां पर नेगेटिव बातों के ऊपर ज्यादा डिस्कस किया जाता है। टू बी मोर एग्जैक्ट, अगर आप ट्विटर का डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो वहां पर लोग अपने थॉट्स रखते हैं, अपने बातों को लफ्जों में बयां करते हैं, जिसकी वजह से ट्विटर बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। ज्यादातर मासेस में ट्विटर की अपील नहीं है, लेकिन ट्विटर का एक सच है जो मैं आज आपको बताऊंगा। ट्विटर पर ज्यादातर सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो और वो अपने आप को, जो वो सोचते हैं उसको बयां करते हैं ट्विटर के ऊपर। लेकिन ट्विटर बदले में क्या करता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का अकाउंट डिलीट कर देता है। आजकल तो उसका शौक चल रहा है कि वो फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट में जितने भी अथॉरिटीज हैं उनके अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है। हाल ही में शशि थरूर, उसके बाद आईटी मिनिस्टर जो है, उनके भी अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? ट्विटर का कहना है कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वाली बात है जो कि यूएस में डेवलप्ड है, और उसकी वजह से उसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर उस वजह से उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था, तो ठीक एक घंटे बाद उसको क्यों अनलॉक किया गया? क्यों एक घंटे पहले आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक लगी और एक घंटे बाद वो कॉपीराइट स्ट्राइक नल हो गई? क्या इस चीज का जवाब ट्विटर इंडिया के पास ये है? ये सारी बातें बहुत पुरानी है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के अकाउंट आए गए दिन ब्लॉक होते रहते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ट्विटर इंडिया की वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने खुद करी है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने खुद कभी नहीं सोचा था। हमारे जो एडिटर साहब है अतुल शर्मा, उन्होंने मुझे ये सारी चीजें दिखाई, जिसके बाद मैं खुद शॉक हो गया था कि ट्विटर के ऊपर ऐसा कॉन्टेंट अवेलेबल है। जो अगला मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ उसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ट्विटर इंडिया जो है ऐसे कंटेंट को डिलीट कर देता है जो उसको डिलीट नहीं करनी चाहिए, और ऐसे कंटेंट को डिलीट नहीं करता है जो उसको डिलीट करनी चाहिए। माइंड यू, आई हैव नॉट इवन येट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं उस कंटेंट के बारे में जो शायद ट्विटर इंडिया को डिलीट नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद ट्विटर इंडिया अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में बताकर उनको डिलीट कर देता है। कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे जैजी बी की बात करें तो उन्होंने कह दिया कि कोई लीगल ऑर्डर है जिसकी वजह से उनके अकाउंट को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकाउंट को बीच बीच में ब्लॉक किया जाता है, सरकार उनसे कहती है कि जो उनके लॉ है उनको कंप्लाई किया जाए तो ट्विटर उसको फॉलो नहीं करता। कंगना रनावत की बात करें तो आप जानते ही हैं कि कंगना रनावत को लेके कितना कुछ बवाल हुआ था। कंगना ने अपने ओपिनियंस ट्विटर पर रखे तो ट्विटर का ये कहना था कि ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है। लेकिन जो दूसरे लोग उस बारे में बात करते हैं तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेट नहीं करते, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी वजह से वो उनके अकाउंट्स को डिलीट नहीं करते। हालांकि इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्विटर की अपनी गाइडलाइंस है और वो उसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से फ्रेम करके बता सकते हैं कि नहीं, ये इस चीज को वॉयलेट कर रहा है तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा। मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ आज। ट्विटर इंडिया अपने ही गाइडलाइंस पर उल्टा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कई सारी चीजें ट्विटर पर मौजूद हैं जो देख के आप शॉक हो जाएंगे, यहां तक कि शायद आप बिलीव भी ना करें कि ट्विटर पर ये सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन हाँ, वो सारी चीजें ट्विटर पर अवेलेबल है, और माइंड यू कम्युनिटी गाइडलाइंस जो ट्विटर की है उसके अगेंस्ट में वो सारी चीजें हैं। उसके बावजूद वो सब कुछ ट्विटर पर आप जाएंगे सर्च करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं कब से बोल रहा हूँ वो सारी चीजें, तो आखिर वो कौन सी चीज है जो ट्विटर पर अवेलेबल है जो कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपको पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। आप सिर्फ ट्विटर पर जाइए, वीडियो सर्च कीजिए और आपको पूरा भंडार मिल जाएगा ट्विटर पर। आपको किधर भी गूगल पर, फलाना पर, इधर उधर जाके कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन में ट्विटर के वीडियोस देख सकते हैं, बिल्कुल भी ट्विटर ओपन कीजिए, सर्च कीजिए और आपको हजारों की संख्या में वो सारी वीडियोस मिल जाएंगे। पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट्स है ये कोई छोटे मोटे अकाउंट्स नहीं है कि मान लीजिए इनके 10 फॉलोअर्स हैं, 20 फॉलोअर्स हैं, कि ट्विटर को पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि ऑफकोर्स ट्विटर एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उनके कई सारे यूजर्स हैं, तो सबको ट्रैक करना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन माइंड यू इन लोगों के फॉलोअर्स लाखों में,
मिलियंस में, दो दो तीन तीन मिलियन फॉलोअर्स वाले अकाउंट है जो लोग ऐसी वीडियोस को ट्विटर पर रोज अपलोड करते हैं और ट्विटर इन सारी चीजों को टेक डाउन नहीं करता, इनको डिलीट नहीं करता, क्योंकि ट्विटर के हिसाब से ये सारी चीजें उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं करती। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप देख रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये सारी चीजें ट्विटर के गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं करते? क्या आप बिलीव कर पा रहे हैं कि जो कंटेंट अभी आप आपके सामने चल रहा है ये सब कुछ ट्विटर इंडिया पे अवेलेबल है, किसी और पॉर्न साइट पर नहीं? जो वीडियो अभी आपने देखे ये बिल्कुल भी किसी पॉर्न वेबसाइट से उठाए हुए नहीं है, सारे वीडियोस ट्विटर इंडिया पर अपलोडेड है, हजारों लाखों की संख्या में इन वीडियोस के ऊपर व्यूज है, यहाँ तक कि लोगों ने इनको रीट्वीट भी किया है, और ये सारे वीडियोस ट्विटर के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में नहीं जाते। मतलब सारे लड़के जो हैं वो बेवकूफ हैं, वो जाते हैं एक VPN डाउनलोड करते हैं, गूगल ऑन करते हैं, उसके बाद इनकॉग्निटो मोड में जाते हैं और वहां पर जाकर पॉर्न वेबसाइट चालू करने की कोशिश करते हैं, जबकि ट्विटर वाले इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि वो सारी वीडियोस को अपने ट्विटर अकाउंट पर ही डाल देते हैं। इसके बारे में लोगों को जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं एक काम करता हूं, जो मैंने वीडियोस डाले हैं वो बिल्कुल भी फोटोशॉप नहीं है, ट्विटर पर ही है। इस बात को साबित करने के लिए मैं सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके साथ क्या करना है आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा मतलब है उसको शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। इस बात को बताना जरूरी है कि ट्विटर कौन सी चीजों को डिलीट कर रहा है, कौन सी चीज को डिलीट करना चाहिए, उसको नहीं करना। भारत सरकार के बारे में भी मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि उनकी क्या गलती है। भारत सरकार ने सारे पॉर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया लेकिन ट्विटर को ब्लॉक नहीं किया। क्यों? लोग जो पॉर्न देख रहे हैं वेबसाइट्स पर जाके उसको आप ब्लॉक कर दे रहे हैं, लेकिन लोग वही पॉर्न इंटरनेट पर नहीं ट्विटर पर जाके देख रहे हैं, तो ट्विटर को ब्लॉक क्यों नहीं किया जा रहा है? या ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे कॉन्टेंट को क्यों नहीं हटा रहा? मैं बेट करता हूं कि ज्यादातर लोगों को ट्विटर के इस साइड ऑफ स्टोरी के बारे में नहीं पता होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ट्विटर पर किस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, ट्विटर किस चीज को प्रायोरिटाइज करता है डिलीट करने के लिए और जिस चीज को डिलीट करना चाहिए उसको नहीं करता। ये ट्विटर का एक सच है क्योंकि वहां पर लोगों की एंगेजमेंट ज्यादा है। जो लोग ये वीडियोज डाल रहे हैं वो छोटे लोग नहीं है, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं, तो आप तक ये जानकारी पहुंचना जरूरी है। और इस पूरे मामले पर अगर कोई एक्शन ले सकता है तो वो सिर्फ आप है, कोई एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आप मिलकर इन सारी चीजों को डिलीट नहीं करवाएंगे या ट्विटर के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। मेरा ये ट्विटर एक्सपोज वीडियो था, इसी के साथ कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई इसको शेयर करना जरूरी है, मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे कल मुलाकात करेंगे। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।